I gave you my heart. हाँ जी भाई लोग, तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया साहब। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको पांच ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ, या फिर आप इसको ट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो इनको स्किल्स ही बोलूँगा। अगर आप इन स्किल्स को अपनी गेम में यूज़ करते हैं, तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी स्किल्स बढ़ेगी और आप प्रो भी बन सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक जेन्युइन स्किल्स है, जेन्युइन ट्रिक्स है। अगर आप इनको इन गेम में यूज़ करते हैं तो 100% वर्क करने वाली है। एक्चुअली ये स्किल्स और ट्रिक्स की इसका पहला वीडियो है। ऐसे ही आपको वीडियो और भी मिलती रहेगी, जिनमें आपको स्किल्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, जिनको अगर आप इन गेम में यूज़ करते हैं तो आप 100% प्रो बन जाएंगे और आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी। तो भाई मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह आपको फेक ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ। वो क्या करते हैं कि वो एक रूम क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पर आपको ट्रिक्स बताते रहते हैं। अगर आप वो ट्रिक्स इन गेम में यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते करते ही गेम में मर जाते हैं। ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और आपके साथ ऐसा होता होगा। तो भाई वो जो ट्रिक्स होती है वो ज़्यादातर फेक होती है। अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते करते ही मर जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रूम में ही काम करती है। भाई इस वीडियो में आपको जो स्किल्स बताने वाला हूँ, जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उसकी पहले आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं स्किल्स बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर कौन सी स्किल यूज़ की है और यहाँ पर कौन सी ट्रिक यूज़ की है। तो भाई आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो भाई यहाँ पे नंबर वन पे स्किल आती है ये वाली, आप पहले ये क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कौन सी स्किल यहाँ पे यूज़ करनी है, कौन सी जगह पे कौन सी स्किल यूज़ करनी है। तो भाई ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने काफ़ी बार आ चुकी होगी कि आप खुले में हैं और आपके ऊपर किसी गाड़ी ने रश कर दिया है। तो भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है, आप खुले में हैं और आपके ऊपर किसी गाड़ी ने रश कर दिया है, तो आपको उसी टाइम ही प्रोन हो जाना है, यानी कि लेट जाना है। लेटने के बाद आपको उस गाड़ी के ऊपर फायर करते रहना है जब तक वो पूरी गाड़ी ब्लास्ट नहीं हो जाती या उसमें जो सवार है वो मर नहीं जाता। तो भाई इससे क्या होगा कि जो गाड़ी के ऊपर आपके ऊपर फायर कर रहा है उनको आप दिखना बंद हो जाएंगे और आप उनको आसानी से मार सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं, अगर आप उनको खड़े होकर मारते हैं तो वो आपको आसानी से मार देंगे, क्योंकि वो आपको आसानी से देख सकते हैं। अगर आप प्रोन होकर मारते हैं तो वो आपको नहीं देख सकते हैं, सिर्फ आप ही उनको देख सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपके ऊपर कोई गाड़ी रश करती है तो आपको हमेशा प्रोन हो जाना है। भाई यहाँ पे नंबर टू पे ये वाली स्किल देखो। तो भाई कई बार ऐसा होता है कि जब हम फाइट ले रहे होते हैं तो वहाँ पे अचानक से बोट आ जाता है और हमारा पूरा का पूरा ध्यान बोट के ऊपर चला जाता है। हम सोचते हैं कि यार ये फ्री का किल है, इसको पहले मारते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा मेरे ऊपर फायर कर रहा था, अच्छा खासा फायर कर रहा था, लेकिन इसको बोट दिखाई देता है और ये बोट के ऊपर फायर करने लग जाता है और उसी टाइम इसको हम मार देते हैं। तो भाई जैसे ये बंदा प्री फायर के साथ मेरे ऊपर फायर कर रहा था तो ये आसानी से मुझे मार देता अगर ये बोट के ऊपर फायर ना करता। तो भाई ऐसी गलती आपको भी नहीं करनी है, आपको बोर्ड को इग्नोर करना है, जस्ट आपको अपनी फाइट के ऊपर ध्यान देना है, आपको बोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो भाई नंबर थ्री पे आप ये वाली स्किल देखो। तो भाई अगर आपके ऊपर क्लोज रेंज में कोई एनिमी मूवमेंट के साथ फायर कर रहा है, याद रहे जिगर के साथ नहीं, जस्ट मूवमेंट के साथ आपके ऊपर फायर कर रहा है, चाहे वो राइट साइड की मूवमेंट हो, चाहे वो लेफ्ट साइड की मूवमेंट हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वो एनिमी लेफ्ट साइड मूवमेंट के साथ आपके ऊपर फायर कर रहा है तो आपको भी लेफ्ट साइड मूवमेंट करनी है और उसके ऊपर फायर करना है। अगर वो राइट साइड मूवमेंट के साथ आपके ऊपर फायर कर रहा है तो आपको भी राइट साइड के ऊपर ही फायर कर रहना है। सर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनिमी मेरे ऊपर राइट साइड मूवमेंट करके मेरे ऊपर फायर कर रहा था, मैंने भी सेम ही किया, राइट साइड पर मूवमेंट करके उसके ऊपर फायर किया, लेकिन वो मर गया। तो आपको सेम ऐसा करना है। तो भाई यहां पे नंबर फोर पे स्किल देखो। तो भाई यहाँ पे इस बंदे ने एक काम तो अच्छा किया कि इसने गाड़ी कवर के पीछे रोकी, लेकिन यहाँ पे इसने एक गलती कर दी कि इसने कवर लेके मेरे ऊपर फायर नहीं किया, ना ही इसने कोई पीक किया। तो भाई आपको भी ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके सामने कोई एनिमी है, अगर आपको उसके ऊपर फायर करना है तो आपको कवर लेके फायर करना है या फिर पीक लेके फायर करना है, सीधा उसके सामने खड़े होकर उस पर फायर नहीं करना है, वो सीधा आपको मार देगा। तो भाई यहाँ पे नंबर फाइव पे स्किल देखो। तो भाई आपने इस क्लिप में देखा कि इस बंदे के पास पिस्टल था, मेरे पास गन थी, लेकिन इसने फिर भी मेरे साथ फाइट ली।
तो भाई इस बंदे का स्किल था कि इसने मेरे साथ पिस्टल के साथ फाइट ली। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है, अगर आपको पिस्टल मिली है तो आपको फाइट लेनी है, क्या पता आपका लक काम कर जाए। तो भाई यहाँ पे लक काम करता है, यहाँ पे स्किल नहीं काम करती, यहाँ पे जस्ट लक काम करता है। भाई यहाँ पे मेरी आप हेल्थ देख सकते हैं, 20 या 50% हेल्थ बची होगी। यहाँ पे अगर उस बंदे की एक गोली और मुझे लग जाती तो मैं आसानी से मर जाता, तो ये उस बंदे का लक था। भाई इसी तरह आप इन 5 स्किल्स को देख सकते हैं, आप इन 5 स्किल्स को ऐसे ही आप अपने इन गेम में यूज़ कर सकते हैं बिना किसी कोई दिक्कत की। तो भाई अगर आप इन स्किल्स को अपने इन गेम में यूज़ करते हैं, आपका जो स्किल्स है वो इंक्रीज होगा, आप प्रो बन जाएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये स्किल्स कैसी लगी भाई कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो ये थी आपके सामने शॉर्ट इस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।